Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Paromita and you are watching Paromita's Delight. और आज आपको मुझे देखकर ही लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ. सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई डिडंट थिंक कि मतलब होली के दिन पे मेरे घर पे इतनी सारी खुशियाँ आएंगी. सो आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड थैंक्स टू यू गाइस. लाइक अगर आप लोग नहीं होते तो किस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँच पाती. अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे कैप्शन से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. या यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. लाइक मेरे को लगता था कि यार कभी होगा कि नहीं होगा. जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल इट वाज लाइक या ओके. मेरे को ये सब जब मैंने दूसरों की व्लॉगिंग और दूसरे यूट्यूब क्रिएटर्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे पास भी कुछ तो टैलेंट है. लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, समथिंग करिकुलर. सो फिर मैंने स्टार्ट किया मेरा चैनल. सो जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था फेब 2018 में. एंड मैं आज आपको सारी अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया और मैंने कहाँ पे ब्रेक लिया एंड ऑल एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में. सो द थिंग इज मैंने जब मेरे 97 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे तो आई वाज स्टार्टेड सर्चिंग द 100 सब्सक्राइबर वीडियोस. लाइक मैं सोच रही थी कि मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं मतलब इंक्लूड करूंगी सारी चीज़ें, अपना पूरा जर्नी एंड ऑल. सो आई वाज ट्राइंग टू सर्च सम वीडियो विच कैन गिव मी सम आइडिया दैट व्हाट टॉपिक्स कैन बी एडेड. सो एट दैट टाइम मुझे कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं मिला. जितने भी मुझे वीडियोस मिलते थे 100 सब्सक्राइबर वाले वो ऐसे ही वीडियोस होते थे कि हाउ कैन यू गेट 100 सब्सक्राइबर इन वन डे, इन वन वीक, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ ऑफ नो यूज़, जो मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं था. एंड इसके अलावा अगर मुझे कुछ ऐसे वीडियोज़ मिले भी तो उसमें प्रॉपरली लोगों ने अपना जर्नी नहीं डिफाइन किया है. सो इट वॉज़ लाइक सो डिसअपॉइंटिंग कि मतलब इतने YouTube वीडियोस होने के बाद भी 100 सब्सक्राइबर्स के जो प्रॉपर वीडियो है वो नहीं मिल पा रहा. तो मैं आप लोगों को थैंक्स तो बोलूँगी ही बिकॉज दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू. एंड एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल को और ज़्यादा फेमस बनाना चाहते हो तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू विल बी गेट नोटिफाइड वेन एवर आई एम पोस्टिंग माई न्यू वीडियोज. एंड इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ देखने के बाद में एक लाइक का बटन क्लिक कर दो. एंड उसके अलावा अगर आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हो या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा तो प्लीज़ शेयर करो. सर या आफ्टर ऑल दीज एडवर्टीजमेंट्स एंड दीज एडवर्टीजमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब बटन को दबाने से पैसे कटेंगे या फिर वो प्रीमियम मेंबरशिप में आ जाएंगे. बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट. आपके कोई पैसे नहीं कटने वाले हैं जब तक आप अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स नहीं देते हो. सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब आइटम्स, ये सब्सक्राइब बटन. सब्सक्राइब बटन इज़ ओनली टू गेट नोटिफाइड यू लाइक कि आप मतलब मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो. एंड दैट सब्सक्रिप्शन कैन बी डन ओनली वंस. जैसे लोगों को पता नहीं होता है तो डिफरेंट जो मेरे दूसरे वीडियोस आते रहते हैं ना तो वो सारे बार में सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते रहते हैं. ऐसा नहीं होता है. आप एक चैनल को एक आईडी से एक ही बार सब्सक्राइब कर सकते हो. वीडियोस को आप लाइक कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, ऑल दीज थिंग्स कमेंट कर सकते हो. बट इन अ चैनल यू कैन क्लिक ओनली वंस. जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरे इन लॉज जो है वो बोलते रहते हैं कि सब्सक्राइब हमने तो कर दिया था फिर हमने किया दूसरे वीडियो पे, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो बिकॉज एक बार ट्राइप करने के बाद में वो बटन आपका डिसेबल हो जाता है. फिर करोगे तो सब्सक्रिप्शन हट जाएगा. सो डोंट डू दैट. एंड या कुछ लोग इस तरीके की गलती करते हैं इसलिए मैं ये चीज़ मतलब बता रही हूँ आपको. सो अब देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को बताना कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया अपना ये जर्नी, यूट्यूब क्रिएटर का जर्नी. सो आई टोल्ड यू गाइज दैट मैंने स्टार्ट किया था इसको फेब 2018 में. बट फेब 2018 में इट्स लाइक आई स्टार्टेड इट एट माई होम इन वाराणसी.
क्योंकि वहाँ पे मुझे सब कुछ पता था, लेकिन जब मैं यहाँ पे मतलब मैं हाँ पुणे से जब हैदराबाद में आई तो दैट वॉज ऑल न्यू. हम नए घर में शिफ्ट हुए, वहाँ पे इतना अच्छा लाइट वगैरह भी नहीं था एंड प्रॉपर आइटम्स भी मुझे पता नहीं थे कहाँ पे क्या है, बिकॉज 6-7 months से ही मैं शादी करके आई थी तो मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि मतलब और कितने ज़्यादा सामान मेरे पास है, मैं कितना ज़्यादा गैदर कर सकती हूँ या फिर मैं किस स्पेस पे बना सकती हूँ. उस टाइम आई वॉज जस्ट ग्रोइंग माई सेल्फ कि मैं किस तरीके से करूँगी घर, जैसे मुझे मेरे घर पे पता था तो दैट टाइम आई हैव स्टार्टेड दैट रेसिपी चैनल. मोस्ट ऑफ द गाइज यूज टू स्टार्टेड विद द रेसिपी चैनल बिकॉज दैट इज टू सिंपल एंड क्विक एंड ईजी टू स्टार्ट टू विद एनी थिंग. सो उसके बाद मुझे एक दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ हैदराबाद में, मैं पहले दूसरे घर में थी फिर यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज़ द टाइम और अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. आई नो एवरीथिंग और घर में काफ़ी लाइट वगैरह है, सब कुछ बहुत अच्छे से है, सो आई कैन स्टार्ट विद माई व्लॉगिंग. एंड उसके बाद में मैंने अपना जो भी मटेरियल है वो बनाना स्टार्ट किया कि मैं व्लॉगिंग में कैसे कैसे स्टार्ट करूँगी, क्या क्या चीज़ें दिखाऊँगी. सो आप जाके मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा, और आज की वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा. जैसे जैसे आप वीडियो बनाते रहते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे वैसे बढ़ता रहता है, आप कैमरे के सामने और अच्छे से बोल पाते हो, बिकॉज इट्स लाइक देयर इज़ नो वन इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू स्पीक. सो इट इज़ क्वाइट वियर्ड स्टार्टिंग के टाइम पे, बट नाउ आई एम हैबिचुएटेड टू इट एंड आई एम वेरी मच ग्लैड दैट आई एम ग्रोइंग द पीपल हु आर हियरिंग मी और हु आर वॉचिंग मी. सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हो एंड मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं. सो या सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे कि सेल्फ एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए, यूट्यूब को पता चल जाता है एंड ऑल, जस्ट दिस इज ऑल क्रैप. जब तक आप किसी को नहीं बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो, किसी को कैसे पता चलेगा. अगर आप अपने स्कूल में भी पढ़ने जाते हो, उसके बाद में आप एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे जो आपको पता है, जो आपकी नॉलेज है, उसको आप जाके लिखते हो, तभी आपके टीचर्स को और बाकी लोगों को पता चलता है कि आप पढ़ाई में कैसे हो. सो जब तक आप अपनी चीज़ें किसी को बताओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा. सो आपको जैसे जहाँ पे शेयर करना है आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो, अपने चैनल का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, बट मेक श्योर जहाँ पर आपको इस चीज़ का अलाउड नहीं है, जैसे किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाके अपने चैनल का नाम दे देना एंड समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, बिकॉज सामने वाले इंसान को अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है. कुछ कुछ को ऐसा लग सकता है कि आई डोंट केयर यार, मेरे पास तो बहुत सारे सब्सक्राइबर, आई डोंट केयर इफ समबडी इज कमिंग टू माई कमेंट सेक्शन एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है. तो आप इस तरह की चीज़ें मत करिए, बट आप डिफरेंट पेजेस पे, जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट का पेज है या किसी इंस्टीट्यूट का पेज है एंड आप वहाँ पर जाते हो और आप उस जगह का कोई रिव्यू दे रहे हो, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हो. इससे दोनों का फायदा है, आपका भी फायदा है कि वहाँ के लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड वहाँ के लोगों का भी फायदा है कि उनका इंस्टीट्यूट या उनका ऑर्गेनाइजेशन या उनका रेस्टोरेंट जो है उसका एडवर्टीजमेंट होगा. सो दैट इज़ गुड फॉर बोथ. तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, बट ज़बरदस्ती किसी भी पेज में जाके मत अपना एडवर्टीजमेंट करिए, दैट इज़ नॉट गुड. एंड सच बोलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा भी अपने चैनल का एडवर्टीजमेंट नहीं किया है. जस्ट 1 month बैक जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने चैनल को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जो शेयर करना है वो सब कुछ स्टार्ट किया है. एंड उससे पहले मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था. तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स है वो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ कोर्स है, उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट अननोन लोग भी हैं जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. एंड आप जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह से मेरे चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी चैनल को उसी पेस पर लेकर चलूँ और अच्छा करूँ. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया मेरा फूड चैनल, मतलब दिस चैनल वॉज द रेसिपी चैनल. तो 2-3 रेसिपीज़ मैंने उसमें दी एंड देन उसके बाद आई हैड स्टॉप बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया. तो 2018 के बाद में डायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया है अपना चैनल सेप्टेम्बर एंड या सेप्टेम्बर मिड में.
सो सेप्टेम्बर में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने इसी तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर व्लॉगिंग करना शुरू किया. बीच में काफ़ी गैप हो जाता था बिकॉज एडिटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी बिकॉज अर्लियर आई ऑलवेज यूज टू डू माई एडिटिंग ऑन फिल्मोरा और एनी अदर जो भी मुझे स्टार्टिंग में मिले थे. कुछ कुछ और थे मुझे भी ठीक से याद भी नहीं, फिल्मोरा का नाम मुझे याद है. सो ये सारी चीज़ें तो मेरे को लैपटॉप पे ही करना पड़ता था बट नाउ इट इज़ वेरी इजी बिकॉज आई यूज़ टू डू एडिटिंग ऑन माय आई मूवी. और अगर आपके पास में आईफोन है तो आप प्लीज़ आई मूवी पर एडिटिंग करो, इट्स वेरी वेरी इजी. बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छी एडिटिंग होती है एंड मुझे तो ऐसा लगता है मुझे एडिटिंग करने में अब बहुत कम टाइम लगता है. इससे पहले मुझे दो दो तीन तीन चार चार घंटे तक लग जाते थे एडिटिंग करने में बिकॉज काफ़ी सारे फीचर्स हमें पता नहीं होते थे. डेस्कटॉप पे एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही फीचर होता है तो हमें पता नहीं होता है, बट मोबाइल में फीचर्स कम होते हुए भी आपका वीडियो बहुत अच्छा बनता है. सो वीडियो का मतलब एडिटिंग का टाइम भी मेरा काफ़ी 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 कम हुआ है. सो मैं फटाफट वीडियोस को एडिट कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं पोस्ट कर सकती हूँ, बट पहले ऐसा नहीं कर पाती थी तो इस वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं दे पाती थी. बट आई कैन से नाउ टिल नाउ आई हैव पोस्टेड अराउंड 103 और 105 वीडियोस एंड मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होली के दिन पूरे हो गए हैं. एंड नेक्स्ट डे सुबह उठ के जब मैंने होली के नेक्स्ट डे सुबह उठ के देखा तो मेरे 101 सब्सक्राइबर हो गए थे. तो आई कैन से माय 100 सब्सक्राइबर, आई हैव क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर्स. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी मच थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. एंड या हमने इसी के उसमें सेलिब्रेशन भी किया, हमने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया था. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था होली वाले व्लॉग में कि कल आज तो हम नहीं नॉनवेज खा पा रहे हैं बट कल नॉनवेज खाएंगे. तो कल दो दो तरह की खुशी मिल गई हमें, मतलब एक तो हमें खाना ही था ऑफ कोर्स होली का सेलिब्रेशन एंड देन उसके ऊपर से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए. तो कल हमने खाया था मटन एंड जीरा राइस. सो लेट मी शेयर. कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा. अगर आपको सब्सक्राइबर्स एंड मेरी जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछो. आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज. सो जस्ट कमेंट मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो. अगर आपको और डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको फटाक से नहीं मिलने वाली है. और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि यार बहुत कम मेहनत में मिल जाएगी या बहुत जल्दी मिल जाएगी. मैं मानती हूँ कि जिनके वीडियो का कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. सो जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनका हो सकता है 2-3 मंथ्स में ही उनको 100 सब्सक्राइबर्स मिल जाए. इट डिपेंड्स अपन योर हार्डवर्क, योर कंटेंट मीन्स इसी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके सब्सक्राइबर्स कि आप किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं. मेरे सब्सक्राइबर्स मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि एक दिन में 3-4 सब्सक्राइबर्स मुझे आ जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे 1 मंथ में 8-10 सब्सक्राइबर्स आई गेन्ड. मेरा बहुत ही धीरे धीरे सब्सक्राइबर गेन हुआ है. सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत टॉप क्वालिटी का वीडियो बनाती थी या मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाती थी बिकॉज आई डिडंट हैव अ गुड फ़ोन ऑल्सो, डिडंट हैव अ गुड कैमरा. सो कैमरा से करने में मुझे थोड़ा सा वो होता है, लाइक कैमरा मेरे पास है बट आई एम नॉट यूजिंग कैमरा बिकॉज कैमरा से करो देन उसके बाद में उसको लैपटॉप पे या फिर फ़ोन में डालो एंड देन उसके बाद में एडिटिंग करो तो इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर मी. और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन. सो मैं करती हूँ फ़ोन से अपना सारा शूटिंग एंड फ़ोन से ही मैं एडिटिंग भी करती हूँ. दैट इज़ क्वाइट सिंपल फॉर मी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो क्वालिटी में कोई भी इतनी ज़्यादा कमी नहीं रहती है. But it's fine. I will keep gradually. I will increase all my qualities of camera and editing also. वो तो time के साथ ही हो पाएगा because एकदम से मैं सब कुछ खरीद के नहीं कर सकती हूँ. And हाँ, मेरे पास बहुत ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं जैसे I have one tripod, but that tripod is pathetic. बहुत ही बेकार tripod है. स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाती थी तब तो मैंने नहीं खरीदा था. आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने एक ट्राईपॉड लिया था बट आई एम रियली नॉट सेटिस्फाइड विद इट. फिर मैंने सोचा कि यार क्यों. द थिंग इज यू नीड टू डू हार्ड वर्क एंड उसके लिए आपको हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है.
ट्राइपॉड आपको खरीदने की जरूरत है, जैसा मैं मानती हूँ। मुझे ट्राइपॉड ने भले ही मेरा ट्राइपॉड कितना भी पथेटिक हो, बट एटलीस्ट वो मेरा साथ दे देता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब वो ट्राइपॉड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं दूसरा ट्राइपॉड नहीं खरीदने वाली, मैं इसी से करूँगी जैसा भी होगा। तो आई फाउंड इट्स नथिंग सो मच बैड, इट्स फाइन। अगर आप किसी तरीके से किसी चीज़ के साथ में एडजस्ट करना चाहते हो खुद से, तभी आप एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर तो आपको हर चीज़ सही हो। तो ऐसा नहीं करना है, मिनिमम चीज़ों के साथ ही आपको अपने वीडियोस, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना है। बिकॉज स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें नहीं मिल जाती है ना यार, पहले आपको मेहनत करना पड़ता है। आपके जो अंदर टैलेंट है आप वो लोगों को दिखाइए, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये सब चीज़ें गाने से कोई काम नहीं चलेगा। एंड प्लीज़ गाइस बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ये डेकोरेशन। देखिए मैं थोड़ा बहुत सोच सोच के करती रहती हूँ कुछ कुछ। मैंने सोचा कि यार ये 100 सब्सक्राइबर्स का मुझे ये वीडियो बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा तो कुछ अच्छा बनता है भाई, मतलब थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। और मैंने बस साड़ी वाड़ी पहन ली, आपको पता है यहाँ हैदराबाद में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, स्टिल मैंने सोचा कि यार नहीं, ये तो सेलिब्रेशन का डे है और मुझे अपने सारे व्यूअर्स को थैंक्स बोलना है। इसकी वजह से मैंने एक अच्छा सा अटायर लिया है, एंड देन ये सब कुछ आपके लिए ही है। आपको पसंद आ रहे मेरे वीडियोस, आपको आप एक अच्छे पेस पर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, एक अच्छे प्लेस पर देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियोस को और अच्छा बनाने की। दिस इज़ ऑल, और ये सब कुछ जो भी जहाँ तक मैं अभी पहुँची हूँ वो सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो प्लीज़ मुझे बढ़ावा देते रहिए, मुझे आगे ले जाइए अगर मैं आप लोगों को पसंद हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। सो अगर आपको एक्चुअली मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो जो था वो ब्रेक कर दिया था, मतलब मैं एंड करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि थोड़े बहुत चीज़ें और बच रही है, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। अब इसके बाद अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।